धौलपुर जिले के पोस्को कोट ने रायाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश शर्मा ने बताया कि 26 नवंबर 2015 को रायाखेड़ा थाना क्षेत्र के समौना गांव का युवक रामू पुत्र राजवीर नाबालिग के घर में घुस गया, जहां आरोपी ने जबरन नाबालिग से दुष्कर्म किया। रायाखेड़ा थाने में दर्ज कराई गई मामले में बताया कि दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता ने आरोपी द्वारा किए गए दुष्कर्म के बारे में आरोपी को अपनी मां को बताने की कहा, जिस पर आरोपी ने पीड़िता को कमरे में बंद कर किवाड़ लगाकर आग लगा दी। आग में 95% तक झुलस जाने के बाद पीड़िता को उसके पिता द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता के बयान लेने के बाद उसे उच्च उपचार के लिए रेफर कर दिया, जिस पर ग्वालियर में भर्ती कराई गई। पीड़िता ने बयान देने के बाद दम तोड़ दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व के मामले में मंगलवार को पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी युवक रामू पुत्र राजवीर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बयान चंद्रप्रकाश द्वारा सीआई द्वारा दर्ज किया गया, उसमें पीड़िता ने बताया उसके साथ रामू जाटव निवासी समोना पीएस राजाखेड़ा द्वारा दुष्कर्म कर किया, उसकी इज्जत लूटी और अपनी माँ से कहने के पर उसने कुंडी लगा के कमरे की उसकी तेल छिड़क कर आग लगा दी और भाग गया, जिस पर उसके माँ बाप ने उसकी आग बुझाई और अस्पताल को लेकर आए। उसके बाद वहाँ से उसका ग्वालियर तक इलाज चला। रामू जाटव ने उसका पूरी तरह से ये जांच नहीं हो पाई कि ये उसकी एज बाबत ये नाबालिग है या नहीं, इसलिए माननीय न्यायालय ने पॉक्सो से उनको इसको बरी किया है, लेकिन दुष्कर्म के आरोप से 20 वर्ष का कारावास और अर्धदंड से दंडित किया है। पीड़िता धौलपुर जिले के देवली थाना क्षेत्र के रायाखेड़ा मार्ग में पहाड़ी गांव के पास सरसों की बोरियों से भरा बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रॉले में बैठे करीब 15 लोग बोरियों के नीचे दब गए, जिनमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घायलों में 3 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सिहौली गांव निवासी करीब आधा दर्जन लोग सरसों की फसल को बेचने के लिए धौलपुर मंडी जा रहे थे, लेकिन रायाखेड़ा मार्ग पर पहाड़ी गाँव के पास चालक से ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर पलट गया। ट्रॉली में बैठे सभी लोग सरसों की बोरियों के नीचे दब गए। हादसे को देख लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने बोरियों के नीचे से सभी घायलों को निकालकर एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। हम रहने जा रहे थे ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर झूले के फट गया, बोरी के नीचे दब गया। टोटल कितने लोग होंगे आप? 5 है। 5 लोग आप इसमें घायल हुए हैं। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव बगचौली लोदा में एक युवक का संदिग्ध परिस्थिति में सब पेड़ पर लटका हुआ मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए मनिया थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी है। मृतक के परिजनों ने युवक के मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी और ससुराली जनों को ठहराया है। जानकारी के मुताबिक कोलारी थाना इलाके के गाँव नगरिया के रहने वाले युवक राजेश की शादी मनिया थाना इलाके के बगचौली लोदा में हुई थी। परिजनों के मुताबिक युवक राजेश अपनी पत्नी के साथ बीती शाम घर से अपनी ससुराल आया था, जहां उसकी ससुराल में ससुराली जनों से कोई विवाद हो गया, जिसके बाद आज उन्हें युवक के पेड़ पर लटका होने की सूचना मिली, जिस पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना मनिया थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को नीचे उतारकर शव का मनिया अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम लक्ष्मी निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ IAS वर्तमान में रजिस्ट्रार सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने की। सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष निहाल सिंह पचौरी ने अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने 6 मई को करौली धौलपुर लोकसभा चुनाव होने के लिए
समाज के सभी नागरिकों को 100% मतदान कराने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, वोट लोकतंत्र का आधार है, आपका मौलिक कर्तव्य है कि लोग आप खुद को 100% वोट करें, साथ में अन्य समाजों को भी प्रेरित करें, समाज के लोग शिक्षा पर ध्यान दें, बेटियों को जरूर पढ़ाएं। इस अवसर पर धनीराम शर्मा, निहाल चंद पचौरी, प्रमोद दुबे, संजय मुदगल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, पंडित ताराचंद, काशीराम राजकुमार, रवि शर्मा, गंगाराम हरिओम, लौरे राम, प्रमोद पारसर, गजेंद्र मुदगल, अवधेश शर्मा आदि उपस्थित थे। नेपो कस्बे के मलैला गांव में आज संगीत में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठवें दिन में कथावाचक पंडित प्रताप नारायण शास्त्री के द्वारा भागवत कथा की महिमा में अक्रूर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और बलराम को कंस के यहाँ मल्ल युद्ध का बुलावा दिया गया और कंस का उद्धार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। माता पिता और अपने नाना श्री उग्रसेन जी को कारागृह से निकालकर उग्रसेन जी का राज्य से किया गया। उद्धव जी को गोपियों से संवाद के लिए भगवान ने भेजा और उनको प्रेम के महत्व को समझाया। अंत में श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ। कल की कथा में सुदामा चरित्र के साथ भागवत कथा का समापन होगा। भागवत कथा को विस्तार से बताते हुए बताया कि भगवान का नाम लेने से कोटि जन्मों के पापों का नाश होता है। धौलपुर निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी के निर्देशन में चोपड़ा मंदिर धौलपुर परिसर में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। ईवीएम वीवीपैट से मंदिर में उपस्थित श्रद्धालु एवं मतदाताओं ने मॉक पोल के द्वारा मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की व परिसर के चारों ओर मतदान जागरूकता से संबंधित पोस्टर लगाए गए। महिला अधिकारिता से कनुप्रिया एवं उनकी टीम के द्वारा रंगोली सजाई गई व मतदान दिवस 6 मई 2019 लिखा गया, जिस पर दीपमाला सजाई गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं स्वीप प्रभारी शिवचरण मीणा ने दीप प्रज्वलित कर उपस्थित समस्त मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2019 में 100% मतदान करने का संदेश दिया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में आज शाम को आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर उपखंड प्रशासन द्वारा आयोजित दीपदान कार्यक्रम में मतदाताओं ने कर 100% मतदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में SDM मुकेश कुमार मीणा, तहसीलदार राजाखेड़ा प्यारेलाल सोटवाल व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह सहित मतदाताओं ने दीप जलाकर लोगों को आगामी 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होकर मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी और परिसर के चारों ओर मतदान जागरूकता से संबंधित पोस्टर लगाए गए। महिला स्विफ्ट टीम के द्वारा मतदान को लेकर रंगोली सजाई गई। कार्यक्रम में दीपमाला से सुसज्जित रंगोली से प्रांगण बहुत आकर्षक लग रहा था, जिसको देखने के बाद बड़ी संख्या में जन समूह एकत्रित हुआ व मतदान प्रक्रिया की जानकारी ली।